सो हेलो फ्रेंड्स, एफर्ट वर्ल्ड में आपका स्वागत है और लाइव कंपोजिशन में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने पिछली लाइव क्लास में सीखा था कंपोजिशन, हमने ये कंपोजिशन बनाया था और आपने देखा था कि मैंने कैसे स्टिक ड्राइंग से उसको ड्रॉ किया था। देन स्टेप बाय स्टेप हमने कलर ऐड किए थे, फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन एंड फोर्थ टोन, और कैसे फिर उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया था आपने देखा था। इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेके चलेंगे जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, सीखेंगे कि कंपोजिशन के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को कैसे कवर करते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो आज का टॉपिक होगा कंपोजिशन में टी स्टॉल। आज हम टी स्टॉल के ऊपर एक कंपोजिशन बनाएंगे प्रॉपर और स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे, देन कलर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, अगर आपने जनरली टी स्टॉल देखा है तो कैसा होता है, जैसे फुटपाथ पे भी होते हैं अलग अलग, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो आपने देखा होगा उनको। सो अभी आपको करना क्या होगा, जब भी आप कंपोजिशन करो तो आपको सबसे पहले बनाना है, पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है। देन अगर फिगर ड्रॉ हो जाएगी ना तो उसमें आप कंपोजिशन ऐड कर सकते हो। और अगर डायरेक्टली कंपोजिशन आप करते हो, मतलब बैकग्राउंड बनाते हो, तो फिर वो फिगर एडजस्ट करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर सपोज हमने कंपोजिशन में हमने पहले बैकग्राउंड कर दिया तो फिगर उसमें वो फिट नहीं लगेगी उसके हिसाब से। बैकग्राउंड अगर छोटा लगे तो फिगर बड़ी लगेगी, तो वो बैठेगी नहीं फिगर उसके हिसाब से। तो हमको सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करना है, देन धीरे धीरे बैकग्राउंड ऐड करना है उसमें। तो आपको फिगर ही बनानी है सबसे पहले। अगर मैं अगर एक टी स्टॉल बना रहा हूँ तो हम ये अभी स्टिक ड्राइंग लेके चलेंगे, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में स्टिक ड्राइंग बताई थी,